आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम बताता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो आज हम इस कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे यूजिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे ये लिखी हुई है, एंड वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड इट्स इनवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं जो कि आपकी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को अगर हम ओपन करें तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आई जो है इट्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि आपको देगा 1 0 0 1, ठीक है। तो उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके और इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको वैल्यू जो मिलेगी वो कुछ ये मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। इट्स अ 1 माइनस लैम्डा अगेन 2 अगेन 2 एंड इट्स माइनस 1 माइनस लैम्डा। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को अगर हम इक्वल टू जीरो रखते हैं तो हमको यहाँ से एक और इक्वेशन मिल जाएगी, वो मिलेगी 1 माइनस लैम्डा अगेन माइनस 1 माइनस लैम्डा अगेन माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गई, यहाँ से हमको यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई, ये हमको मिल जाएगी 1 माइनस लैम्डा अगेन इट्स 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे ये माइनस बाहर आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमको जो लैम्डा की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 4। इट्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, देन इट्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स खुद भी सेटिस्फाई करेगी, यही कैली हैमिल्टन थ्योरम है। तो इसको हम फटाफट वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो हमको करना क्या है, हमको लैम्डा स्क्वायर की जगह हमको वापस अपनी मैट्रिक्स रख देनी, यानी ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, तभी हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगी। तो ए स्क्वायर अगर हम रख दें, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 1 2 2 माइनस 1 और अगेन 1 2 2 माइनस 1 और माइनस 5, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई भी लिख लेते हैं वरना हमारा इसका डायमेंशन फुलफिल नहीं होगा, 0 0 5 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमको कुछ मिलेगा, इट्स ये हमको मिलेगा 1 × 1 एंड प्लस 2 × 2 × 2 विच इज 4, अगेन 1 × 2 − 2 अगेन 2 − 2 एंड द फाइनल एलिमेंट इज 2 × 4 + 1, ठीक है, −5 0 0 5। तो यहाँ से हमारे ये दो टर्न तो कैंसिल हो जा रहे हैं और यहाँ पे हमको जो डायगोनल में मिल रहा है इट्स 5 इट्स 0 इट्स 0 इट्स 5 −5 0 0 5, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों टर्म यानी यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और हमको रिजल्टेंट मिल रहा है 0। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमने ये कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। अब इसके बाद हम इस ट्राई करते हैं कि इसका हम इनवर्स निकाल लें, इनवर्स निकाल के देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स क्या मिलता है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम वापस स्टार्ट करेंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो कि हमारी ए स्क्वायर माइनस 5 ऑफ आई इज इक्वल टू 0। इसमें हम ए इनवर्स से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा इट्स ए ए ओनली ए पावर में कुछ नहीं मिलेगा, माइनस 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ए इनवर्स देख सकते हैं, ये हमको मिलेगा इट्स 1/5 ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखिए कितनी आसानी से हमें इनवर्स मिल गया, अदरवाइज हमको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल गया हमको 1/5 ऑफ अवर ओरिजिनल मैट्रिक्स विच इज 1 2 2 माइनस, यहाँ से हमको ये मिल गया ए इनवर्स। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कैली हैमिल्टन थ्योरम और हमने एक मैट्रिक्स से देखा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई किया और साथ के साथ हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।